वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। अवाम बिलखसूस मुखय्यर हजरात से दर्द मंदाना अपील करता हूँ कि सैलाब की तबाहकारी का शिकार अहले वतन की दिल खोल कर मदद करें। तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत कयामत सुगरा बर्पा की है। बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए हैं। हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी जारी कर दिए हैं। अवाम बिलखसूस मुखय्यर हजरात से अपील है कि मुश्किलात में घिरे इन पाकिस्तानियों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। सैलाब मुतासरा भाइयों, बहनों और बच्चों की मदद अंसार मदीना वाले जज्बे से करने की जरूरत है। जिस तरह अहले पाकिस्तान ने 2005 के जलजले और 2010 के मुल्क के सबसे बड़े सैलाब के वक्त मुतासरीन की दिल खोल कर मदद करके पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की थी, आज भी इसी जज्बे की जरूरत है। सैलाब जदगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं। वफाक ने सैलाब से मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सूबाई हुकूमतों से भी गुजारिश है कि मुतासर इलाकों को आफत सदा करार दें ताकि इमदादी कामों को मजीद तेज किया जा सके।